सो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन टू द न्यू ब्लॉग। क्या बोलना चाहते हो तू? मैं बोलना चाहता हूँ। क्या? कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता है बोल। मुझे कुछ नहीं बोलना। घर में कबूतर थे दिखा दिया तूने। नहीं। घर में मेंढक आया दिखा दिया तूने। मैं तो फिर तुझे मेंढक बनने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, तो आज का वीडियो जो बनने वाला है कम्प्लीटली ऑन बिग बॉस के रिव्यू पे। और इस बार का बिग बॉस का इंटरेस्ट मैं भी थोड़ा देखा, अक्सर मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, बट इस बार देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे दो फेवरेट कैंडिडेट्स यूट्यूबर्स। एक तो पहले जरा बेटा चुप बैठना बेटा, थोड़ा मैं कुछ रिकॉर्ड कर, मैं कुछ बात कर रहा ना बेटा। तो यूट्यूबर्स की वजह से मैं इस बार बिग बॉस देख रहा हूँ। और नहीं कि तू तो पहले से बिग बॉस की फैन है और तुझे बिग बॉस में जाना भी है, सपना ही है, बट एक दिन सपना ये पूरा होगा, याद रखना। तेरा पति ये सपना पूरा करेगा एक दिन। वो शायद जैसे अभी पूजा भट्ट जो एज में गई है ना, शायद वो एज में तुझे मैं एक जाने का एक अपॉर्चुनिटी ला के दूँ। तब तक हमारे बच्चे जो हमें यूट्यूब पे फेमस कर दें, हाँ, जैसा अभी फुकरा इंसान ट्रिगर्ड इंसान कैसे अपनी मम्मी को फेमस कर रहे हैं, उस तरह से ये दोनों लोग हमें फेमस करेंगे, फिर हम जाएंगे बिग बॉस में। तो चल बिग बॉस ऑफ द पार्ट। जो पहले दीपू, तू बिग बॉस देखता है? हाँ। क्या है पता बिग बॉस? और बिग बॉस में जो कैंडिडेट्स है, लेट्स से फुकरा इंसान का वीडियो देखता है? हाँ। क्या है? हाँ। क्या देखा, कौन सा वीडियो देखा फुकरा इंसान का बता? गिफ्ट वाला वीडियो देखा तूने? हाँ। उन्हें मेरे लिए गिफ्ट, दो दो गिफ्ट लाया। तेरे को नहीं लाया। दो। और निकी तो बता, तू किसको सपोर्ट कर रही बिग बॉस में इस बार? मैं अभिषेक को। अभिषेक मल्हान। मल्हान। सो भाई हमारा भी सपोर्ट अभिषेक को भी है, हिलविश यादव को भी है, दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए क्योंकि वो लोग, वो कैंडिडेट जो है मुझे लगता है वो प्रॉपर बेटर होगा। अभिषेक, मुझे भी लग रहा है अभिषेक जीतेगा, बट ए बेटा जरा रुकना बेटा, हम कुछ बात कर रहे हैं बेटा, तो ये माहौल चलता रहता है। तो मेरा भी कहना यही है कि जो यूट्यूबर्स में जो मतलब युलविश यादव और अभिषेक हैं, उन लोगों का प्ले भी अच्छा लग रहा है, बॉन्डिंग भी सही है। मनीषा का तो है बट डाउन लग रहा थोड़ा उनसे, मतलब उनके कंपैरिजन में उसका प्ले जो है ऐसा, मतलब वो फाइनल तक आ जाएगी, जो चार लोग खड़े रहते ना, क्या बोलते हैं उसको, फिनाले, फाइनलिस्ट में आ जाएगी शायद, बट जो ना जो हाथ उठेंगे फाइनल दो में से, वो इलविश या अभिषेक में से एक उठेगा। दोनों का एकदम बराबर का व्यू टक्कर है। अभी बोलते ना आखिर में, बोलते ना दोस्ती आ जाएगी बीच में टक, वो इसके लिए, बट ऑडियंस यादव ने बोला है ना कि कोई भी जीते हम दोनों में से, बट हमारी कम्युनिटी में आना चाहिए, मतलब हाँ यूट्यूबर के कम्युनिटी ना, ऐसा स्पेशली यूट्यूब में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस तरह के हम लोग अभी व्यूज देख रहे हैं यूट्यूब का या वजह से, या फिर बिग बॉस का जो जो भी एपिसोड्स में, तो मैक्सिमम जो उन लोगों का जो मतलब एंटरटेनिंग बोल या फिर ऐसे वेल प्लेइंग बोल, इन टर्म्स ऑफ बोलते हैं ना अपन, एक अच्छा इंसान, अच्छी सोच वाला, सब तरह से अच्छा रहना, तो वो मेरे को लग रहा है वो दोनों। ऐसे तो पूजा भट्ट भी है, ऐसा नहीं, बट मेरे हिसाब से जो आज का जनरेशन तो खास नहीं लगती भाई, हमारे जनरेशन की हमारी फेवरेट हुआ करती थी भाई वो, मैं देखा ही नहीं, मतलब हमारी जनरेशन, मतलब मैं तो बचपन से देखता था जब भी वो उसके उनके फिल्में आती थी, अभी तो चलो ये हो गया, बट उसने साबुन का पानी पिला उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए तुम? क्या नाम उसका? जिया ने कभी साबुन का पानी पिया लगा तो लगता है ऐसा, उससे नॉर्मल है, कभी कभी हम भी तो कोई साबुन का पानी पीता है? पानी पीता नहीं है, बट मुंह धोते हुए कभी साबुन नहीं गया तेरे मुंह में थोड़ा सा भी? वो मुंह में गया तो हम मुंह कुल्ला करके थूक देते हैं। ठीक है ना, मुझे लग रहा है समझी में गलती से उसने, एक लड़की हो के लड़की का सपोर्ट करने का जरूरत नहीं, वो लड़की गलत है तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिया का जो मैनर वो था ना, वो हरकत बराबर नहीं था। देख भाई, उसके ऊपर सलमान खान ने बोला ना, और लाइटली बोल के छोड़ा, लाइटली नहीं भाई, आधा एपिसोड उसके ऊपर ही निकला। बट देख, हम लोग दुश्मन को भी ना पानी पिलाते, अच्छा पानी पिलाते, वो तो एक रियलिटी शो है। तुम रियलिटी शो के चक्कर में तुम ऐसे यार कुछ भी गलत हरकत कर रहे हो, गलत बात है ना बेटा। और दूसरा
जो देख रहा है बिग बॉस, मैं अभी भी देख क्या, जब भी मैं शाम को यूट्यूब यूट्यूब चालू करता हूँ सब वही रिकमेंडेशन आ रहे, तू देख रही इसलिए मेरे को दिख रहा हूँ, लॉग इन यूट्यूब पे है ना तो तेरा देख, मतलब मैं ऐसा फोकस सर्च नहीं करता हूँ कंटेंट, बट आ जाता है अभी रिलीज करो पे लाइव देखते रहते हैं। ओके वो वाला मैं देखता नहीं हूँ, मैं डाउनलोड भी नहीं किया जियो, बट अभी करूँगा और हमारे अभिषेक भाई को वोट करूँगा, इलवेश भाई को भी वोट करूँगा, एक ही कर सकते हो अपन, मैंने आज तक नहीं किया बट इस बार बिग बॉस में मैं करूँगा। कैसे है तुम लोग ऑडियंस, डाउनलोड करो जियो सिनेमा और उसमें वोट करो अभिषेक भाई को, इलवेश भाई को, क्या और वोट, शांत हो गया तो शांत हो गया, बट जो इलवेश यादव मनीषा और वो कौन तीनों बैठ के जो बात कर रहे थे मान, वो कन्वर्सेशन को ऐसे सलमान खान ने उसको जो पिछला एपिसोड उसको आटे में लिया पूरा टारगेट करके उसको, बट इसके ऊपर तेरा क्या कहना है? मैं क्या बोलूं बाबा, तू ही बता। हां बोल ना, तेरे के पूरा कैमरा मेरे ऊपर के मैं पकड़ती हूं, दे ऐसा लग रहा है पूरा मैं ही रहूं। मैं भी ने उन्हें दो दिन दिया। हां तेरा क्या कहना है इसके ऊपर? मुझे तू ही बोल, तेरा क्या कहना है? अबे देख मेरा कहना ये है, अबे वो वाला देखा मैंने 20 मिनट का कुछ था वो देखा मैंने, तो उसमें वो मतलब सलमान खान का जो थोड़ा बोलते हैं ना बोलने का तरीका जो था ना, ऐसा लग रहा था बहुत बहुत ही प्लान करके स्क्रिप्ट करके खींचा जा रहा है उस टॉपिक को, नंबर बार बार तुम ऐसे इंसान हो, तुम ऐसा सीखना, सीधा सीधा भी नहीं बोल रहे, घुमा फिरा के घुमा फिरा के पॉइंट पे आए तो थे, आने के बावजूद भी उस पॉइंट को इतना लंबा खींच रहे कि मैं बोला अभी हो गया, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बट वो है कि खत्म ही नहीं हो रहा था बात। देखो बेटा ऐसा नहीं कर रहे बेटा, इधर इधर बैठ, बात कर रहे हैं ना, बात कर रहा हूँ बेटा, मेरा वीडियो चल रहा है ना, उसमें मेरा वीडियो चल रहा है, तू इधर बैठ ना, तू भी आएगा वीडियो में, तो बस यही था वो, फिर वो ऐसा सिचुएशन में वो उसको मम्मी को लेकर आके सामने दिखाना, और इस तरह के मतलब क्या होता है मम्मी को कंप्लेन कर रहे हैं मारा घर उधर बेचारा, बात भी नहीं कर पा रहा था अपनी माँ से ऐसा, बट देख उतना गैप के बाद कोई अपने माँ को देखता तो भी थोड़ा बहुत इमोशन हो जाता है, बड़े बड़े एक्टर्स बड़े बड़े लोगों की निकल जाते हैं, उसको ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने मेरी माँ को ये सुनाया, ऐसी सिचुएशन में लाया जिस सिचुएशन में लोग मेरे को सुना रहे थे वो टाइम पे लोगों ने दिखाया, तो वो डबल उस पर इम्पैक्ट करने लगता है, तो ऐसा, बट अगेन वो भी अच्छा प्ले कर रहा है मेरे हिसाब से, वो एक बोलता है ना जुनून, बाहर भी वैसा है अंदर भी वैसा है, कुछ ड्रामेटिक नहीं है वो बंदे में, मेरे को एक ठीक लगता है। अभिषेक का भी सेम वही रोल है, मनीषा भी थोड़ा नेचुरल, बट मनीषा का अपने मेरे को तो ऐसा लगता है एक्टिंग कर रही है अंदर वो, मतलब वो दोनों के बीच में मतलब उधर की ना इधर की दोनों को बैलेंस करने जैसी चीज कर रही है, और बाहर इनके फैमिलीज हमारी बहू बोल के वीडियोस बना रही है, क्या बोलती है अभिषेक की मम्मी बोलती है कि हमारी बहू तो जिया भी हो या फिर मनीषा भी हो, दोनों बहू या जी है। चलो दोस्तों फिर इतना ही काफी है आज का, ऐसा नहीं करने का, चलो लड्डू कितना शांति से बैठा, चलो बाय करो, चलो फिर आज का ये बिग बॉस अपडेट, आई थिंक हमारा जो ओपिनियन हमने दे दिया है ऐसा कोई दिखेगा तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, बट हम सपोर्ट करते हैं भाई अभिषेक को ऑन प्रायोरिटी पे, और दूसरा स्टेज पे आई थिंक इलवेश यादव, मेरे लिए तो दोनों एक लेवल पे हैं, बट अभी ऑडियंस का एक तरह का प्रिव्यू है, मैं दो तीन लोगों से पूछा हूँ तो लोग ऐसा जो ऑनलाइन जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं रिव्यूज लेते हैं ना, लोग वीडियो डालते हैं क्या कौन जी सकता है ऐसे पोलिंग जो होता है ना वो, तो मुझे लगता है वो थोड़ा हो सकता है, तो थैंक यू, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू।